हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी एंड अ वेरी हैप्पी संडे। आप सबको संडे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का दिन आप सबके लिए लकी रहे। हम बात करेंगे 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के राशिफल की। अब अप्रैल के आखिरी 7 दिन है दोस्तों, और ख़ास कर कुछ राशि के लोग बहुत ही लकी रहने वाले हैं। नौकरी पेशा वालों को प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस हैं। इंसेंटिव क्लेम या कमीशन के मामले में भी किस्मत साथ देने वाली है। कारोबार में बड़े सौदे या एग्रीमेंट होने के चांसेस हैं। एडवांस पेमेंट मिल सकता है, उलझा हुआ पैसा मिल सकता है, संपत्ति के अटके हुए मामले निपट जाएंगे। इस सप्ताह ग्रह स्थिति का प्रभाव बहुत ही अच्छा होने वाला है, खासकर 6 राशियों के लिए बहुत ही खूबसूरत समय है। 6 राशि कौन कौन से दोस्तों? मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि एंड मकर राशि। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम मेष राशि की। मेष राशि वाले यानी एरीज, आज आप नए लोगों से मिलने वाले हैं, नए विचार आपके दिमाग में आने वाले हैं, दौड़ भाग भी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इस सप्ताह के दिन बीतेंगे आपका समय बहुत ही अच्छा होता जाएगा। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे सिर्फ आपका समय खराब होगा, आपको सरप्राइज मिल सकते हैं। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है, समाज में आपकी हैसियत बढ़ने वाली है। घर या परिवार के मामले आपको थोड़ा उलझा के रख सकते हैं। प्रेम विषयों के लिए यह स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। संबंधों में पहले से बना हुआ तनाव दूर होगा, और सप्ताह के आखिरी दिनों में आपकी आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। परिवार में कोई शुभ प्रसंग हो सकता है। इन दिनों में आप सेहत को लेकर के सावधान रहें, किसी तरह की लापरवाही ना करें। दोस्तों आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें। बच्चों को अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की सेहत को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। संतान को पेट के संबंधी रोग हो सकते हैं। लव लाइफ के लिए समय बहुत ही अच्छा है। इन दिनों में पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। पद उन्नति के योग बन रहे हैं। साझेदारी के साथ बिजनेस में हाथ डालने से बचें। निवेश करते समय आपको खास सावधानी रखने की जरूरत है। धन लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बात करेंगे हम वृषभ राशि की यानी टॉरियंस की। दोस्तों ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अपनी सेहत को थोड़ा सा सावधान रहें। आर्थिक नज़रिए से सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके कामों की तारीफ होगी, अधिकारियों से मदद मिलेगी, पढ़ाई में मन कम लगने वाला है। लव लाइफ के मामले में आपके लिए समय ठीक नहीं है। पति पत्नी के बीच गलत फहमी और प्रेमियों के बीच विवाद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। जिम्मेदारी आपके सिर पे आ सकती है। सेविंग्स बढ़ेगी आपकी। मकान में सुधार और मरम्मत के काम हो सकते हैं। नौकरी या बिजनेस में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। सेहत में उतार चढ़ाव और खर्चे हैं। नए मौके, नए लोग मिलने वाले हैं। सोचे हुए काम पूरे होंगे पर धीरे धीरे होंगे। किसी काम में जल्दबाजी ना करें और अनुभवी जो एक्सपीरियंस्ड हैं उन लोगों की सलाह लेकर के काम मिलें, किस्मत का साथ मिलेगा। किसी भी काम में फालतू के जोश ना दिखाएं और दूर स्थान पर रहने वाले लोगों से आपको फ़ायदा हो सकता है। बुद्धि से काम लें, सब अच्छा होने वाला है। बात करेंगे हम मिथुन राशि की यानी जेमिनाई की। आपके काम एक बार शुरू हो गए तो समय से पूरे हो जाएंगे। सप्ताह के आखिरी दिनों में थोड़ी एसिडिटी, मसालेदार खाने से बच के रहें, नहीं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है। बिजनेस करने वालों के लिए समय ठीक ठाक है। निवेश सोच कर करें। बिजनेस में थोड़ी परेशानी आ सकती है। करियर के लिए सामान रहेगा और जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छा समय है। जॉब के लिए जोर शोर से लग जाएं। इस हफ्ते आपकी जॉब पक्की होने वाली है।
आपके जो लव अफेयर्स हैं उनको नई दिशा मिलने वाली है, नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। लव लाइफ के लिए सामान्य है समय, किसी भी काम को सोच समझ कर सलाह करके फैसला लें। बिजनेस में नई संभावनाएं तलाश करें। सप्ताह के आखिरी दिनों में कोई नई एनर्जी आपको फील हो सकती है जिसको, और आप नए काम करेंगे जिसको करके आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें, थोड़ा समय नाजुक है आपके लिए। बात करें कर्क राशि की, यानी कि चंद्रमा की, यानी कैंसर राशि की। दोस्तों चंद्रमा मीन से मिथुन राशि में आने वाला है, थोड़ी परेशानियां रह सकती है, आपके लगभग सभी ज़रूरी काम निपट जाएंगे, लोग प्रभावित होंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे आप, नए दोस्त, नई समझ, नए मौके आने वाले हैं आपकी लाइफ में। जो ऑफर मिले आपको उस पर जल्दबाजी ना करें, बिना सोचे समझे फैसला ना करें। आपके जीवन साथी आपके रास्ते में मदद मिलेगी, प्रेमी के साथ आपके रिश्ते मधुर होने वाले हैं। कुल मिलाकर लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो सकती है आपको, तो अगर है तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। किसी भी तरह का तनाव ना लें, लंबे समय से चली आ रही बीमारी में लाभ मिलेगा, और दांत और मुंह का ध्यान रखें। दोस्तों शेयर खरीदने बेचने के लिए समय बहुत ही अच्छा है, ये निवेश आपको फायदे का सौदा देगा। ऑफिस में किसी से भी विवाद हो सकता है, जॉब के लिए नए ऑफर मिल सकते हैं, सोच समझ कर फैसले लें, आमदनी के नए रास्ते खुलने वाले हैं। करियर के क्षेत्र में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो आपको जॉब मिल बड़ी आसानी से मिल जाने वाली है, तो लगे रहिए जोर शोर से, बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए। बात करेंगे हम सिंह राशि वालों की। सिंह यानी लियो, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे लेकिन जिम्मेदारियां आपको पीछे खींच रही है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके बहुत काम का होगा। चुनौतियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं लेकिन सपोर्ट मिलेगा आपको और खास जिम्मेदारी मिलेगी। ध्यान रखें दोस्तों, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर मेहनत के बावजूद कोई फल नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, पारिवारिक तनाव ना करें, अपने मन को थोड़ा मार कर रखें। हो सकता है थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी, पर बेकार के झगड़ों से बच के रहें और गाड़ी सावधानी से चलाएं। मौसमी बीमारियां हो सकता है आएगी, जीवन साथी आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। कठिन समय में भी कोई खास काम आप अपनी सूझबूझ से करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है, बिजनेस में मामूली नुकसान हो सकता है। निवेश करते समय सावधान रहें और किसी अनुभवी से सलाह लेकर करें। तो दोस्तों बात करेंगे हम कन्या राशि की। कन्या राशि यानी वर्गो राशि। कन्या राशि वाले सेहत का ध्यान रखें, बदहजमी और गैस हो सकती है आपको। लव लाइफ के लिए समय अच्छा है, प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी। सप्ताह के बीच में जीवन साथी से अनबन हो सकती है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। करियर को लेकर सावधान रहें, किसी अन्य अनजान इंसान की बातों में ना आए, हो सकता है आप बेकार की उलझनों में फंस जाएंगे। पैसे के मामले में योजना बनाकर काम करें, दूसरों की सलाह को अनसुना कर दें, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। सप्ताह के आखिरी दिनों में धन लाभ की योजना है और पढ़ाई और प्रतियोगिता के लिए बहुत ही अच्छा समय है। रुकावटें दूर होने वाली, नतीजे आपके फेवर में आ सकते हैं। पैसों से जुड़े कई मामले उठेंगे, कई मौके नज़र आएंगे। इस सप्ताह आप कोई भी बड़ा फैसला किसी बड़े पर्सन की सलाह से लें। वाहन आप सावधानी से चलाएं, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। पैसों से जुड़े मामले में सावधानी से पैसा लें, संपत्ति विवाद खत्म हो सकता है, नतीजे आपके फेवर में रहने वाले हैं। दोस्तों बात करने वाले हम तुला राशि की। प्रेम संबंध को लेकर सबसे पहले इस हफ्ता कोई फैसला ना लें, नॉर्मल चलने दें जैसा चला आ रहा है। सप्ताह के एंड में थोड़ी शारीरिक परेशानी हो सकती है, घुटनों और अगर आप एजेड हैं तो जोड़ों में दर्द रह सकता है। बदलता हुआ मौसम थोड़ा इफेक्ट कर सकता है। छोटे छोटे फायदे आपके करियर में आपके मन खुश करने वाले हैं। नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है, छोटे छोटे निवेश बड़े बड़े फायदे दे सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक ठाक है। कई तरह के मानसिक उतार चढ़ाव आ सकते हैं लेकिन आप परेशान ना हों।
चंद्रमा आपका गोचर कुंडली के छठे भाव से नौवे भाव तक जाएगा। इन दिनों में आप पुराने मामलों और समस्याओं को निपटा लें, वरना ये समस्याएं आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। खास काम के लिए की गई कोशिशों का नतीजा न मिलने पर अफसोस न करें। अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ते हुए आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। सप्ताह के कुछ दिनों में आपका मनोबल कमजोर हो सकता है। आमदनी पहले से बढ़ेगी। रुके हुए काम दोस्तों की मदद से पूरे होंगे। परिवार और पैसों के मामले आसानी से निपट जाएंगे और सप्ताह के आखिरी में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों, फालतू खर्चा करने से बचें, अच्छे समय का इंतज़ार करें। स्टूडेंट्स को और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और नौकरी के प्लेस में विवादों से बचने का ट्राई करें। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, यानी कि स्कॉर्पियंस की। दोस्तों, आप कुछ नया सीखने वाले हैं। मौसमी बीमारियों से बच करके रहना है। खान पान का खास ध्यान रखना है। बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा है। लेन देन से सावधान रहे, किसी को उधार ना दें। नौकरी पेशा वालों को बड़े लोगों की मदद मिलेगी। आपका खर्चा बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि के स्टूडेंट संभल के रहें, कोई आपको कंफ्यूज कर सकता है। पूरे मन लगाकर पढ़ाई करें, सफलता ज़रूर मिलने वाली है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है। संबंधों में मधुरता रहने वाली है। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा। प्रेमियों के लिए उतार चढ़ाव का दिन है दोस्तों। कोई भी आपको धोखा दे सकता है, इसलिए किसी की बातों में ना आए। दिमागी उलझन से आपको छुटकारा मिलने वाला है और जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद हो सकता है सुलझ जाए। सप्ताह के बीच में आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन सावधानी से बढ़ें, आपकी मेहनत आपको रंग देने वाली है। बात करेंगे हम धनु राशि की, यानी सैजिटेरियंस की। धनु राशि वाले अपनी सेहत के लिए अच्छा रहेगा आपका ये वीक, और भाई बहनों की सेहत का आप ध्यान रखें। खाने पीने के मामलों में लापरवाही ना करें। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इस समय सितारे आपका साथ देंगे। पति पत्नी में रिश्ते मजबूत होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए 7 दिन बहुत खास है। निवेश के नज़रिए से बिजनेस करने वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। पिछले निवेश से आपको धन लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है, लेकिन निराश ना हो और मेहनत के करें। अभी की गई मेहनत का फल आने वाले समय में सफलता के रूप में मिल सकता है। दोस्तों, आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। ऑफिस और बिजनेस में फायदा होने से आप खुश होंगे। कार्य क्षेत्र का आपका विस्तार होगा। दूसरों की देखा देखी ना करें। आपकी पद और सैलरी बढ़ सकती है। नई योजनाएं, नए काम आपके पास आ सकते हैं और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप अपने परफॉर्मेंस सुधारने की पूरी कोशिश करें। इसका असर भी आपके आसपास के लोगों के बीच होगा। और सप्ताह के बीच में आप खुद पर कंट्रोल रखें, स्वभाव बदलें और कोई भी कदम उठाएं तो सोच समझ के उठाएं। दोस्तों, दूसरों की देखा देखी बिल्कुल ना करें। आपकी समस्याओं का समाधान आपको खुद मिल जाएगा। बात करेंगे हम मकर राशि की, यानी मेरी राशि। दोस्तों, केप्रिकॉर्न होते हैं और सप्ताह के आखिरी दिनों में मकर राशि वालों को सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती है। ठंडी चीज खाने से परेशान रहेंगे। खुद पर कंट्रोल करें। पिता की सेहत को लेकर के सावधान रहें। चिंता बनी रहेगी, तनाव बना रहेगा। इस सप्ताह आपके जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेमियों के लिए भी समय अच्छा है। दिल की बात बताने का समय अच्छा है। पॉजिटिव परिणाम मिलने वाले हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। फायदे का टाइम है। बिजनेस रिलेटेड आप यात्रा कर सकते हैं और ये सप्ताह स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। करियर को लेकर चिंता रहने वाली है। सप्ताह के एंड तक कोई अच्छी सी आपको अचीवमेंट मिल सकती है। दोस्तों, इन दिनों में बहुत से रुके हुए काम आपके पूरे होने वाले हैं और आने वाले दिनों में
खास कामों की प्लानिंग बनेगी, उस पर काम शुरू होगा। करियर, बिजनेस मैनेजमेंट, ज़्यादातर फैसले आप बिल्कुल करेक्ट लेंगे। करियर की पुरानी समस्या सुलझ जाएगी। आप थोड़े परेशान रहने वाले हैं, लेकिन कुछ बड़े डिसीजन आपके फेवर में रहने वाले हैं। थोड़ी सी कोशिश से आप अपने बराबर वालों से आगे निकल जाएंगे। कोई भी बड़ा फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें, समय आने पर सब खत्म हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट रहेगी थोड़ी, कामकाज अधूरे ना रखें, योग्यता और अनुभव का उपयोग करें, आमदनी के हिसाब से खर्च करें। करियर को लेकर के टेंशन बनी रह सकती है, मगर आप पति पत्नी के बीच में मन मुटाव दूर होने वाले हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं हम कुंभ राशि की, यानी कि एक्वेरियंस की। सेहत के मामले में आपके लिए ठीक रहने वाला है। पेट दर्द हो सकता है, सेहत सुधरेगी। बच्चे और बुजुर्गों की सेहत अच्छी रहने वाली है। जो लोग अविवाहित हैं, उनको ऑफर मिल सकता है शादी का। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। निवेश करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों की मदद मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। परीक्षा संबंधी तैयारियों में समय बीतेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। ऑफिस या फील्ड में भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, सावधानी रखें। आशा निराशा रहेगी, पारिवारिक एकजुटता बढ़ेगी। आपके जीवन में पॉजिटिव दौर शुरू हो सकता है, उसका फ़ायदा उठाएं। अपने परिवार के साथ सुख शांति का जीवन व्यतीत करें। इस सप्ताह आपके ज़्यादातर समय लोगों की मदद से निकल सकता है। आप बिजनेस में सफल रहने वाले हैं। खुद की तारीफ करने से बचें, आपके संतोष को लगाम रखें। कुछ व्यवहारिक परेशानियां हो सकती है, निजी मामलों में टेंशन में रहेंगे। आपके विरोधी बहुत ही एक्टिव रहने वाले हैं, इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी काम में हाथ न डालें। मांगलिक कामों में कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन पैसों से जुड़ा आपको फायदा होने वाला है। बात करेंगे हम मीन राशि की, यानी कि पिसेस की। दोस्तों, इस सप्ताह आप सेहत को लेकर किसी तरह की टेंशन ना लें। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखें। लव लाइफ में आपकी किस्मत साथ नहीं मिल पाएगा, लेकिन पुराने कामों में सफलता ज़रूर मिलेगी। नौकरी या कारोबार में कुछ रुकावटें आ सकती है, फालतू खर्च करने से बचें। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय सामान्य है, निवेश से बचें। करियर के लिए महत्वपूर्ण समय है, सावधानी से बड़ा फैसला लें। और लव लाइफ में आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा, थोड़ा मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा अपसित समय है। अपने पुराने कामों का फल लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा, उसमें सफलता मिल सकती है। आपकी माता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी परेशानी अगर चल रही थी तो वो मिटने वाली है। परिवार के मामले सुलझेंगे। दोस्त, रिश्तेदार, जमीन जायदाद, नौकरी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। भावनात्मक स्थिति इन दिनों में अचानक बदल सकती है। जीवन साथी को लेकर के थोड़ी अनबन हो सकती है। नौकरी और शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी। प्रमोशन की बातचीत भी शुरू हो सकती है। आप ये ध्यान रखें कि इन दिनों में जैसे जैसे आपकी पद या जिम्मेदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ बातों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अपने सेल्फ कंट्रोल रखें। काम धंधे में भाग दौड़ रहने वाली है। माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। और दाम्पत्य जीवन में आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, मीन राशि वाले जबान पे कंट्रोल रखें। दाम्पत्य जीवन में अनबन ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आपको कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल चुप रहना है। सामने वाली पार्टी अगर बोलती भी है तो आप अपना मुंह बंद करके रखें, तो सारे काम शांति से निपट जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप सबसे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, हैप्पी संडे। भगवान करे आप सबकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी जल्दी पूर्ण हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर। जय माता दी।